वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को गुरु पर्व की, प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज ही देश में देव दीपावली भी मनाई जा रही है। विशेषकर काशी में बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। लाखों दियों से देवी देवताओं का स्वागत किया जा रहा है। मैं देव दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काफी लंबा समय पंजाब की धरती पर बिताया है और उस दौरान मुझे कई बार गुरु पर्व पर अमृतसर में हरमिंदर साहब के सामने मत्था टेकने का सौभाग्य मिला है। अब मैं सरकार में हूं तो इसे भी मैं अपना और अपनी सरकार का बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि गुरुओं के इतने अहम प्रकाश पर्व हमारी सरकार के दौरान आए। हमें गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। हमें गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। और जैसा अभी बताया गया लाल किले पर, तो बहुत एक ऐतिहासिक और पूरे विश्व के एक संदेश देने वाला कार्यक्रम था। 3 साल पहले हमने गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव भी पूरे उल्लास से देश और विदेश में मनाया है। साथियों, इन विशेष अवसरों पर देश को अपने गुरुओं का जो आशीर्वाद मिला, उनकी जो प्रेरणा मिली, वो नए भारत के निर्माण की ऊर्जा बढ़ा रही है। आज जब हम गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं, तो ये भी देख रहे हैं कि इन वर्षों में गुरु आशीर्वाद से देश ने कितनी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। साथियों, प्रकाश पर्व का जो बोध सिख परंपरा में रहा है, जो महत्व रहा है, आज देश भी उसी तन्मयता से कर्तव्य और सेवा परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। हर प्रकाश पर्व का प्रकाश देश के लिए प्रेरणा पुंज का काम कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगातार इन अलौकिक आयोजनों का हिस्सा बनने का, सेवा में सहभागी होने का अवसर मिलता रहा है। गुरु ग्रंथ साहब को शीश नवाने का ये सुख मिलता रहे, गुरुबाणी का अमृत कानों में पड़ता रहे और लंगर के प्रसाद का आनंद आता रहे, इससे जीवन के संतोष की अनुभूति भी मिलती रहती है और देश के लिए, समाज के लिए समर्पित भाव से निरंतर काम करने की ऊर्जा भी अक्षय बनी रहती है। इस कृपा के लिए गुरु नानक देव जी और हमारे सभी गुरुओं के चरणों में जितनी बार भी नमन करूं वो कम ही होगा। साथियों, गुरु नानक देव जी ने हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया था। उन्होंने कहा था, नाम जपो, कीरत करो, वंड छको, यानी ईश्वर के नाम जप करो, अपने कर्तव्य पर चलते हुए मेहनत करो और आपस में मिल बांट करके खाओ। इस एक वाक्य में आध्यात्मिक चिंतन भी है, भौतिक समृद्धि का सूत्र भी है और सामाजिक समरसता की प्रेरणा भी है। आज आजादी के अमृत काल में देश इसी गुरु मंत्र पर चलकर 130 करोड़ भारतवासियों के जीवन कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और हमारी आध्यात्मिक पहचान पर गर्व का भाव जागृत किया है। आजादी के अमृत काल को देश ने कर्तव्य की पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए कर्तव्य काल के रूप में माना है और आजादी के इस अमृत काल में देश समता, समरसता, सामाजिक न्याय और एकता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। यानी जो मार्गदर्शन देश को सदियों पहले गुरुवाणी से मिला था, वो आज
हमारे लिए परंपरा भी है, आस्था भी है और विकसित भारत का विजन भी है। साथियों, गुरु ग्रंथ साहब के रूप के हमारे पास जो अमृत वाणी है, उसकी महिमा, उसकी सार्थकता समय और भूगोल की सीमाओं से परे है। हम ये भी देखते हैं कि जब संकट बड़ा होता है तो समाधान की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आज विश्व में जो अशांति है, जो अस्थिरता है, आज दुनिया जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसमें गुरुओं साहब की शिक्षाएं और गुरु नानक देव जी का जीवन एक मशाल की तरह विश्व को दिशा दिखा रहा है। गुरु नानक जी का प्रेम का संदेश बड़ी से बड़ी खाई को पाट सकता है और इसका प्रमाण हम भारत की धरती से ही दे रहे हैं। इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतने खान पान, रहन सहन के बावजूद हम एक हिंदुस्तानी होकर रहते हैं, देश के विकास के लिए खुद को खपाते हैं। इसलिए हम जितना अपने गुरुओं के आदर्शों को जिएंगे, हम जितना आपसी विभेदों को दूर करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करेंगे, हम जितना मानवता के मूल्यों को प्राथमिकता देंगे, हमारे गुरुओं की वाणी उतनी ही जीवंत और प्रखर स्वर से विश्व के जन जन तक पहुंचेगी। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमें गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से सिख परंपरा के गौरव के लिए निरंतर काम करने का अवसर मिला है और ये निरंतरता लगातार बनी हुई है। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उत्तराखंड माणा गांव गया था। इस यात्रा में मुझे गोविंद गार्ड से हेमकुंड साहब के लिए रोप वे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। इसी तरह अभी दिल्ली ऊना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत भी हुई है। इससे आनंदपुर साहब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नई आधुनिक सुविधा शुरू हुई है। इससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकरण भी किया गया है। हमारी सरकार दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी जुटी है। इससे दिल्ली और अमृतसर के बीच दूरी 3-4 घंटे कम हो जाएगी। इस पर हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है। हर मंदिर साहब के दर्शनों को आसान बनाने के लिए यह भी हमारी सरकार का एक पुण्य प्रयास है। और साथियों, ये कार्य केवल सुविधा और पर्यटन की संभावनाओं का विषय नहीं है, इसमें हमारे तीर्थों की ऊर्जा, सिख परंपरा की विरासत और एक व्यापक बोध भी जुड़ा है। ये बोध सेवा का है, ये बोध स्नेह का है, ये बोध अपनेपन का है, ये बोध श्रद्धा का है। मेरे लिए शब्दों में बताना कठिन है, जब दशकों के इंतजार के बाद करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला था, हमारा प्रयास रहा है कि सिख परंपराओं को सशक्त करते रहें, सिख विरासत को सशक्त करते रहें। आप भलीभांति जानते हैं कि कुछ समय पहले अफगानिस्तान में किस तरह हालात बिगड़े थे, वहां हिंदू सिख परिवारों को वापस लाने के लिए हमने अभियान चलाया। गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भी हम सुरक्षित लेकर आए। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के महान बलिदान की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत भी देश ने की है। देश के कोने कोने में भारत की आज की पीढ़ी, भारत की आने वाली पीढ़ियों हैं, ये जाने तो सही कि इस महान धरती की क्या परंपरा रही है। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जो हमारी मातृभूमि है, उसके लिए साहब जादव जैसा बलिदान देना कर्तव्य की वो पराकाष्ठा है जो पूरे विश्व इतिहास में भी कम ही मिलेगी। साथियों, विभाजन के हमारे पंजाब के लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने जो बलिदान दिया, उसकी स्मृति में देश ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत भी की है। विभाजन के शिकार हिंदू सिख परिवारों के लिए हमने CAA कानून बनाकर उन्हें नागरिकता देने का भी एक मार्ग बनाने का प्रयास किया है। अभी आपने देखा होगा, गुजरात ने विदेश में पीड़ित और प्रताड़ित सिख परिवारों को नागरिकता देकर
उन्हें एहसास दिलाया है कि दुनिया में सिख कहीं भी है, भारत उसका अपना घर है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे गुरुद्वारा कोट लखपत साहब के जीर्णोद्धार और कायाकल्प का सौभाग्य भी मिला था। साथियों, इन सभी कार्यों की निरंतरता के मूल में गुरु नानक देव जी के दिखाए मार्ग की कृतज्ञता है। इस निरंतरता के मूल में गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह के असीम बलिदानों का ऋण है, जिसे पग पग पर चुकाना देश का कर्तव्य है। मुझे विश्वास है गुरुओं की कृपा से भारत अपनी सिख परंपरा के गौरव को बढ़ाता रहेगा और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। इसी भावना के साथ मैं एक बार फिर गुरु चरणों में नमन करता हूं। एक बार फिर आप सभी को, सभी देशवासियों को गुरु पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो निहाल।